प्रभात फेरी के रूप में हम लोग संपर्क कर रहे हैं। जिन मतदाताओं के यहाँ हम जा रहे हैं वो कहीं हमसे ज्यादा एग्रेसिव है, वो कहीं हमसे ज्यादा जागरूक है कि इस बार तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। सीवान का जो मुद्दा है वो मुद्दा पूरा हो पाएगा इनके आने के बाद से विकास का काम हो पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी टीम पहुंची है आज सीवान जिला में और विजय लक्ष्मी देवी प्रत्याशी हैं जो लोकसभा सीवान से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से 18 सीवान लोकसभा क्षेत्र से इनका नामांकन हो चुका है। हमारे साथ जो व्यक्ति जिलों में है ये जिलों में जिला अध्यक्ष हो चुके हैं बीजेपी के और राहुल तिवारी जी पहुंच चुके हैं इस वक्त, उनसे भी बात करेंगे। सर सबसे पहले क्या कुछ कहेंगे सर, आप पुराने नेता के तौर पर काफी आपका पहचान है, आज भी आपका है, लेकिन पूर्व में जिला अध्यक्ष हो चुके हैं बीजेपी के, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे सीवान की जनता से विजय लक्ष्मी देवी को लेकर? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रत्याशी श्री विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी जो प्रत्याशी हैं सीवान लोकसभा से प्रतिनिधि के तौर पे, नरेंद्र मोदी जी के, नीतीश कुमार जी के प्रतिनिधि के तौर पे, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, पारस जी के, इन सभी लोगों के संयुक्त प्रत्याशी हैं और सीवान की जनता ने ये मन बनाया है कि इस बार बड़े भारी मतों के अंतर से विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को जीता करके और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करना है। हम लोग देहात के क्षेत्रों में जा रहे हैं, शहर में प्रभात फेरी के रूप में हम लोग संपर्क कर रहे हैं। जिन मतदाताओं के यहाँ हम जा रहे हैं वो कहीं हमसे ज्यादा एग्रेसिव है, वो कहीं हमसे ज्यादा जागरूक है कि इस बार तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। सीवान का जो मुद्दा है वो मुद्दा पूरा हो पाएगा इनके आने के बाद से विकास का काम हो पाएगा? निश्चित रूप से विकास के आजादी के बाद से जो सरकारें बनी, जो सरकारें चली, लेकिन इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास का आयाम देखा है, जो विकास देखा है, शायद आजादी के बाद से जो सरकारें बनी इस देश के लोगों ने देखा नहीं था, इस देश के लोगों ने समझा नहीं था। इस देश के लोगों ने 10 वर्षों का विकास देखा है, विकास को समझा है, विकास का लाभ लिया है और यही कारण है कि देश के लोगों ने एक नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। सीवान में देखा जा रहा है कि कुछ प्रत्याशी, जितने भी प्रत्याशी सामने आ रहे हैं वो सारे लोग भगवा रंग अपना कर जनता के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं, इसका पहल क्या होगा, क्या लगता है कि जनता भटकेगी? नहीं, जनता में कहीं भ्रम नहीं है, जनता जानती है कि किसके कंधे पे भगवा है और किसका भगवा पक्का है, ये जनता जानती है। क्षणिक रूप से किसी दूसरे रंग के लोग आके और भगवा ले ले तो जनता के अंदर दिग्भ्रमित नहीं होने वाली है, वो जानती है कि किसका रंग क्या है। और जो लोग ये कहते हैं कि सब रंग हमारा है तो सब रंग मिला के रंग नहीं होता, बदरंग हो जाता है। सीवान की जनता से क्या अपील करेंगे, आप तो पूर्व में जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। सीवान की जनता से हम अपील करेंगे कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए, एक समृद्ध बिहार बनाने के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आप अधिक से अधिक अपना मतदान करें, लोगों को जागरूक करें, अधिक से अधिक मतदान कराएं और विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत करें।